रॉड पी क्यू और मास एम लेंथ एल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सीज थ्रू पी एज शोन इन फिगर हमारे पास ये एक रॉड है एंड इट रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सीस पी क्यू इस एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि इस एक्सिस के लिए क्या है मास एम है और लेंग्थ जो है वो एल के बराबर है सो so मास ये दिया है और ये एंगल बताया गया है कि थीटा के बराबर है ओके दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ऐसा कुछ हमने पहले नहीं देखा है सो वी हैव टू गो टू बेसिक्स और वहां से हमें डिराइव करना होगा ओके? वहां से डिराइव करना होगा सो वट आई डू इज मैं इस रॉड में एक एलिमेंट यहां पर लेता हूं छोटा सा एलिमेंट ये एलिमेंट मैं यहां पर ले रहा हूं जिसकी डिस्टेंस यहां पॉइंट पी से सपोज एक्स के बराबर है और इसकी थिकनेस जो है ये थिकनेस इसकी डी एक्स लेते हैं नोट कर लें डिफरेंट एलिमेंट जो है जो यहां पर एलिमेंट होगा उसकी डिस्टेंस डिफरेंट होगी जो यहां पर एलिमेंट होगा उसकी डिस्टेंस डिफरेंट होगी जो यहां पर एलिमेंट होगा उसकी डिस्टेंस डिफरेंट होगी ये एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है सो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक्स का वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगा अब इस एलिमेंट का मास सपोज रोटेट अराउंड दिस एक्सीज इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम द एक्स वो ये बन जाएगी So, ये इसका आर होगा ये इसका आर होगा सो वी विल डू इज हम पहले इस डिफरेंशियल एलिमेंट का इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे फिर जाके इंटीग्रेशन करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे अब उससे पहले हमें दो काम करने होंगे एक तो इसका मास देखना होगा कि किसके बराबर है ये डी एम किसके बराबर होगा और ये आर देखना होगा कि किसके बराबर है ओके सो मी कॉल दिस एज पी तो यहां पर है ही क्यू इसे आर कहते हैं इसे एस कहते हैं ट्राइंगल पी एस आर कंसिडर कर लें या पी एस आर यह एंगल पी पे जो बन रहा है वो थीटा के बराबर है यह साइड पी आर जो है वो एक्स के बराबर है ये एक्स के बराबर ये साइड आर के बराबर है जो हमें चाहिए और ये एंगल थीटा है अब थीटा ये है थीटा का ये अपोजिट साइड बन रहा है अपोजिट साइड का मतलब परपेंडिकुलर ये इसका एडजस्टेंट साइड बन रहा है तो ये बेस है अपोजिट साइड परपेंडिकुलर सो परपेंडिकुलर साइन थीटा में आता है बताइए मुझे साइन थीटा इस ट्राइंगल से किसके बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज सो आर डिवाइडेड बाय एक्स आर डिवाइडेड बाय एक्स और आर इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा तो ये डिस्टेंस आपको मिल गई एक काम हो गया अब दूसरा काम मास का है मास हमें निकालना है डीएम। उसके लिए बताइए मुझे टोटल मास जो है वो एम के बराबर है और टोटल लेंथ जो है वो एल के बराबर है सो so, मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एम बाई एल सो एक यूनिट लेंथ का मास है एक यूनिट लेंथ का मास एक मीटर या एक सेंटीमीटर जो भी फिर यूनिट्स होंगे एक यूनिट लेंथ का मास है दो यूनिट का होगा ट्वाइस एमबेल दस यूनिट लेंथ का होगा टेन टाइम एमबल हंड्रेड यूनिट लेंथस का होगा हंड्रेड टाइम एमबायल मिलियन यूनिट लेंथस का होगा मिलियन टाइम्स एमबायल बिलियन यूनिट लेंथस का होगा बिलियन टाइम्स एमबायल ट्रिलियन यूनिट लेंथस का होगा ट्रिलियन टाइम्स एम बेल ट्रिलियन 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 यूनिट लेंथ का होगा ट्रिलियन 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 एम बल आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है दैट्स इट तो हमें जिस एलिमेंट का मास चाहिए उसकी लेंगे डीएक्स है तो डीएक्स से मल्टीप्लाई करना होगा देयर फोर मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट डी एम इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू डी एक्स एम बाय इंटू डी एक्स तो ये आपका मास भी आ गया अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया

इंटू आर स्क्वायर आर डिस्टेंस है डीएम के बदले में ये लिखते हैं एम बाई एल डी एक्स एम बाई एल डी एक्स और आर आर जो है एक्स साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं सो बन जाएगा एम बाय एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से एलिमेंट का अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं देर फोर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम l साइन स्क्वायर थीटर एक्स स्क्वायर डीएक्स लिमिट्स पहले इंटीग्रेशन इज इन ऑनर ऑफ एक्स डी एक्स है तो इन ऑनर ऑफ एक्स एक्स जो है हमने पहले ही डिस्कस किया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट है लिमिट्स लिमिट्स क्या है Limits का मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज एक साइड का एक्सट्रीम वैल्यू फिर दूसरे साइड का एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू जो होगा वह एक्सट्रीम एलिमेंट्स के लिए होंगे इस साइड का एक्सट्रीम एलिमेंट यहां पर है तो उसके लिए एक्स जो है डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज जीरो सो इस साइड का एक्सट्रीम एलिमेंट उसकी डिस्टेंस, रिम्बर एक्स इज डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट पी तो पॉइंट पी पे ही आपका एलिमेंट है तो तो डिस्टेंस जीरो के बराबर आ गई। और दूसरा एक्सट्रीम एलिमेंट जो है वो यहां पर है, Q पे और उसकी डिस्टेंस जो point P से है, रॉड L, L, तो अपर लिमिट जो है वो एल बन जाएगा अब कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दें, एम कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट साइन स्क्वान्ट है कोई भी एलिमेंट आप ले लें थीटा वही रहेगा यहां पर एलिमेंट ले लें थीटा का वैल्यू वही यहां पर एलिमेंट ले लें थीटा का वैल्यू वही यहां पर एलिमेंट ले लें थीटा का वैल्यू वही सो so, हर किसी एलिमेंट के लिए थीटा का वैल्यू सेम है अब इंटीग्रेशन में जो भी चीज हर किसी एलिमेंट के लिए सेम रहती है वो कॉन्स्टेंट होता है सो so, थीटा जो है वो यहां पर कॉन्स्टेंट है सो एम बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉन्स्टेंट ये बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स That's x cube divided by 3 limit 0 to l तो ये बन जाएगा m इस 3 को मैं बाहर लाता हूं divide by 3 l sin square theta into अब x के बदले में पहले upper limit l cube के साथ minus x के बदले में lower limit 0 so this implies i is equal to l cube खाली l cube बच गया तो ए कैंसल आउट होगा तो यहां पर एल स्क्वायर सो ये बन जाएगा वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई इज इक्वल वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया